एक्साइटेड हूँ, लेकिन एक्साइटमेंट से ज़्यादा मुझे बहुत आज थोड़ा प्राउड और बहुत सेटिस्फाइड लग रहा है बिकॉज दिस सीरीज़ इज़ ऑन एनवायरनमेंट और हम जो कि अभी 2019 में पहुँच चुके हैं और अब जाके हमें एहसास हो रहा है कि दिस सब्जेक्ट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ये प्रॉब्लम बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, हम सब ने इसके बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है. सो आई एम वेरी सेटिस्फाइड, एक्साइटेड. एंड एक होता है ना कि कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें काम करने का मज़ा जो होता है उसके साथ हम क्या घर पे लेके जा रहे हैं वो एहसास जो है वो एहसास बहुत ही अच्छा है. आई एम फीलिंग वेरी सेटिस्फाइड. जो मैसेज है इसका, हवा बदलो कैंपेन, वो इतना इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए. कोई भी इंसान है, जानवर है, उसको सांस लेने के लिए हवा चाहिए, साफ हवा चाहिए. और हमारी हवा, हम देख रहे हैं, हमारे पास रिपोर्ट आती है, रोज़ न्यूज़ में आता है कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा ख़राब हवा है दुनिया में, और हम वो रिपोर्ट पढ़ के भूल जाते हैं. बट आई थिंक जो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इस चीज़ का रिमाइंडर हैं कि ये सिर्फ रिपोर्ट और नंबर नहीं है, ये एक्चुअली काफ़ी सीरियस इशूज़ हैं और ये हमारे एज ह्यूमन बींग्स एंड एज एंड नेचर, वो हमारे एग्जिस्टेंस को ही क्वेश्चन करती हैं ये चीज़ें. सो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग. ऑफकोर्स जो शो से रिलेटेड लोग हैं, दे आर ऑल्सो वेरी डियर टू मी. प्रतीक producers and show runners, and Chandan, who's the face of the show, they're very close to me. I worked with them, so that is again one more reason. ये जो हवा बदलो कैंपेन है उसमें खुद मैं एक छोटा सा पार्ट रह चुका हूँ. आई डन अ म्यूजिक वीडियो जो सेम कैंपेन के लिए था. तो आई थिंक बहुत सारे रीजन्स हैं मेरे पास एक्साइटेड रहने के लिए. ये सीरीज़ करने का एक मात्र एजेंडा ये था कि क्योंकि ये मेरी पहली सीरीज़ थी, मैं कुछ हटके करना चाहता था. क्योंकि आप पर्यावरण की जो हालत है जो दुनिया में हो रहा है, कल लियोनार्डो डिकैप्रियो ने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था कि चेन्नई में पानी कम हो गया है, चेन्नई में पानी की लड़ाई हो रही है. 2040 तक हमारे देश में इतने बहुत सारे शहर हैं जहाँ पे पानी, पीने को पानी नहीं होगा. तो उस ज़माने में जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, मुझे लगा कि इस तरह का एक शो करना बहुत ज़रूरी था. तो इसलिए मैंने किया और मुझे लगता है कि ठीक ठाक अच्छा बना है और जनता एंजॉय करेगी. मुझे मेरी माँ ने बहुत बचपन में एक बात बोली थी, कुत्ता भी जहाँ बैठता है ना तो दुम हिलाकर साफ करके बैठता है. लेकिन हम लोग भूल गए हैं. जब मैं बाकी कंट्रीज़ में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वहाँ पर साफ़ सफाई पे कितना ध्यान दिया जाता है या लोग कितने कॉन्शियस रहते हैं एनवायरमेंट को लेकर. एनवायरमेंट इतना बड़ा इशू बन गया है कि आप ये सोचिए कि लियोनार्डो डिकैप्रियो चेन्नई के बारे में ट्वीट कर रहे हैं. तो अगर हम लोग हिंदुस्तानी होकर हम लोग उस मामले को इग्नोर करेंगे और बाकी देश के इतने बड़े सुपरस्टार उस बारे में ट्वीट करेंगे और हम लोग बिल्कुल ऑब्लिवियस रहेंगे क्योंकि हम लोग इतने बिजी हैं 9 to 5 जॉब्स करने में, पैसे छापने में, पर हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि जो पानी की किल्लत वहाँ हो रही है वो बहुत जल्द बॉम्बे में भी हो सकती है. आप लोगों के घरों में शायद पानी ना मिले, हम लोग को शायद नहाने के लिए, पीने तक के लिए पानी ना मिले. तो फिर अगर हम लोग इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे, सो दिस इज़ द बिगेस्ट क्राइसिस वी आर फेसिंग राइट नाउ. एंड आई थिंक एज अ ह्यूमन रेस अगर हम लोग अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे तो फिर हमारे जीने का फ़ायदा क्या है. Thank you.